हाय गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज ओमकार, वेलकम टू काइजन स्टूडियो। और आज का मेरा जो टॉपिक है वो लोगो डिज़ाइन पे है। यस गाइस, आज से जो भी वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ वो हिंदी में करने वाला हूँ। मुझे एक्चुअली बहुत जनों ने डीएम किया है इंस्टाग्राम पे सेइंग दैट आई शुड रिकॉर्ड माय वीडियोस इन हिंदी, इसके बाद में हिंदी में ही मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ। सो गाइज़, आज जो मैं लोगो डिज़ाइन करने वाला हूँ वो मेरा नेम का है, मेरा नाम का जो है ओमकार भोजने, इसका मैं लोगो डिज़ाइन करने वाला हूँ। और इसके अलावा मैं एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी आपको बताने वाला हूँ, इसलिए गाइज आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इसे एंड तक ज़रूर देखिए। सो गाइज, मैं जब भी किसी कंपनी का लोगो डिज़ाइन करता हूँ मैं 5 स्टेप्स बिल्कुल फॉलो करता हूँ। वो बहुत ही असेंशियल 5 स्टेप्स है। कभी भी आपको अगर लोगो डिज़ाइन का जॉब आया तो आप डेफिनेटली ये 5 स्टेप्स फॉलो करके इजीली बहुत अट्रैक्टिव लोगो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। सो गाइज, ये प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। आप जो भी कंपनी का लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी ज़रूरी है। गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंपनी का नाम पता रहना चाहिए, क्योंकि नाम ही नहीं पता रहेगा तो आप लोगो किस चीज़ का बनाएंगे, राइट? तो आपको नाम, आप एक काम कर सकते हैं, एक क्वेश्चनर डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें आप अलग अलग क्वेश्चन आप डाल सकते हैं और वो डायरेक्टली आपके क्लाइंट को आप या तो ईमेल कर सकते हैं, नहीं तो आप फेस टू फेस अगर क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो जस्ट आप खुद ही पूछ सकते हैं नाम और उसके अलावा नेचर ऑफ द बिजनेस। गाइस, अपार्ट फ्रॉम दिस, कभी कभी क्या होता है कि कोई क्लाइंट आता है और उसके दिमाग में ऑलरेडी एक कलर थीम ऑलरेडी होती है, राइट? उसे एक स्पेसिफिक कलर थीम में ही अपना लोगो डिज़ाइन करना होता है। सो ये सब चीज़ें आप आपके क्वेश्चनेयर में डाल सकते हैं और आपके क्लाइंट को आप अपफ्रंट खुद से पूछ सकते हैं कि बस आपके पास कोई कलर थीम है या नहीं। अगर नहीं है तो आप अपने कलर थीम्स वगैरह आप सजेस्ट कर सकते हैं। कई जैसा कभी भी नहीं होता कि कोई क्लाइंट आए और आप जैसा भी लोगो आप डिज़ाइन करके दे दो उसे, वो एक्सेप्ट करके चला जाएगा। एक्चुअल प्रोसेस में जो प्रॉपर क्लाइंट होते हैं, जो जॉब देते हैं, वो उसमें बार बार रिवीजन के लिए आएंगे ही। उनको उनके प्रेफरेंस के हिसाब से ही बनाना होगा लोगो, राइट? सो गाइज, हमें भी इस प्रोसेस में क्लाइंट के जो भी रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपरली समझ में आने चाहिए, इसलिए क्वेश्चनेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट? और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो क्लाइंट का ऑलरेडी कोई वेबसाइट है या फिर वो वेबसाइट बनाने वाला है तो आपको जस्ट उसका वो जो लोगो, जस्ट लोगो डिज़ाइन करके नहीं देना है, उसके लिए एक बैकग्राउंड भी आपको देना होगा। लाइक यू नो, वेबसाइट्स पे आप देखते हो एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड रहता है और उस बैकग्राउंड पे वो लोगो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। तो आज मैं वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि लोगो कैसे डिज़ाइन करना है और बैकग्राउंड वगैरह कैसा रखना है। ओके, तो अभी मैं जो लोगो बना रहा हूँ खुद के मेरे नाम का बनाने वाला हूँ, राइट? तो मुझे प्रॉपरली सब पता है कैसा बनाना है, क्या बनाना है, राइट? तो ये है हमारी फर्स्ट स्टेप। और हमारी सेकेंड स्टेप है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल एक स्टेप है जो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। गाइस, तो इस स्टेप में होता ये है कि आपके दिमाग में जो भी आइडियाज़ है वो बिजनेस से रिलेटेड या वो लोगों का कुछ भी आइडिया रहेगा, वो एक्चुअली आप एक स्केचबुक पे डंप कर सकते हैं। आप चाहिए तो वो ड्रॉ कर सकते हैं प्रॉपर या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। यूजुअली मैं ये स्टेप पे बहुत एम्फेसिस देता हूँ। मैं जो भी कोई एलिमेंट रहेगा वो बिजनेस से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल एक फूड बिजनेस है, अगर इनकेस मुझे मैड ओवर डोनट्स का लोगो बनाना है, राइट? तो फिर वो आप लोगो भी देखोगे तो वो जिसने भी लोगो वो बनाया है उसने भी वो ओ के जगह पे डोनट डाला है, राइट? वो एक एलिमेंट वो हर बार मैं एक्चुअली मेरे लोगो में रखता ही हूँ। अभी फॉर एग्जांपल ये लोगो देख लो, ये क्विक बाइट्स का जो लोगो है उसमें मैंने दो एलिमेंट्स डाले हैं। एक तो वो शेफ हैट, राइट? उससे वो एक फील आता है कि यस, इट इज़ रिलेटेड टू फूड इंडस्ट्री, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, वो जो बी पे जो बाइट है, जो बाइट मार्क है, वो भी एक
ऐसा एलिमेंट है जो मतलब फूड रिलेटेड ही है, वो कुछ ना कुछ तो खाने से ही रिलेटेड है। और अपार्ट फ्रॉम दिस क्विक बाइट ये नाम ही एक्चुअली सजेस्ट कर देता है कि वो फूड रिलेटेड लोगो ही है। सो यही होता है ये स्टेप में। मैं जो अभी लोगो डिज़ाइन करने वाला हूँ ना, तो वो उसका जो फर्स्ट नेम है मेरा ओमकार, उसका ओम मैं सेपरेट करने वाला हूँ और ओम मैं मराठी अल्फ़ाबेट में टाइप कर जो डिज़ाइन करने वाला हूँ और रेस्ट वुड बी इन इंग्लिश। सो गाइज हमारी थर्ड स्टेप है क्रिएटिंग अ मूड बोर्ड। इस स्टेप में होता ये है कि हमने जो भी डिज़ाइन सोची है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में, जो भी हमने डिज़ाइन सोची है या फिर स्केच आपने निकाला है, उसके रिलेटेड जो भी आप इमेजेस है, जो भी बहुत अट्रैक्टिव इमेजेस आपको लगेंगी नेट पे या फिर आप मैगजीन से भी कटआउट ले सकते हो, एक वाइट बोर्ड पे आप जस्ट स्टिक कर सकते हो वो, और एक प्रॉपरली ऐसे एक जस्ट मूड बोर्ड बना सकते हो आप। मतलब मूड बोर्ड होता ये है कि अलग अलग इमेजेस आप नेट से निकाल के एक जस्ट साइड बाय साइड जस्ट अरेंज कर रहे हो आप, जस्ट ओनली टू इंस्पायर यू टू क्रिएट अ वेरी गुड डिज़ाइन। हम इस प्रोसेस में, इस स्टेप में बिल्कुल भी डिज़ाइंस कॉपी नहीं करते या फिर कुछ एलिमेंट अल्टर करके हम अपना वर्जन नहीं बनाते। इस मूड बोर्ड का खाली एक ही पर्पस है कि आप जब भी उस मूड बोर्ड पे देखो, कुछ डिज़ाइंस ऐसी हो सकती है जो जिससे आपको इंस्पिरेशन मिले, राइट, जो देख के आपको हाँ ये सब चीज़ हम कर सकते हैं हमारे डिज़ाइन में। ये जस्ट कैसे मालूम है, जस्ट एक आइडिया लेते हैं हम, वो जो भी डिज़ाइंस है, जो भी इमेजेस है, उससे हम आइडिया लेते हैं। ये स्टेप आप अवॉइड भी कर सकते हो अगर आप जो प्रीवियस स्टेप है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, अगर वो आप प्रॉपरली जो डिज़ाइन आपने जस्ट सोची है वो इतनी सॉलिड है और इतनी प्रॉपर है कि आप वो विजुअलाइज कर सकते हो। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी सोच के रखा है कि मेरा डिज़ाइन कैसे होगा, जो ओम होगा वो मैं डिज़ाइन करूँगा और जो बाकी के जो वर्डिंग्स है वो मैं फॉन्ट ही यूज़ करने वाला हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जो डिज़ाइन होगा, लोगो होगा, वो बहुत ही मैं सिंपल रखने वाला हूँ। हार्डली मैं दो कलर्स यूज़ करने वाला हूँ और ऐसा डिज़ाइन करने वाला हूँ जो हर जगह पे फिट हो जाएगा, ऑन माई वेबसाइट, ऑन माई ग्राफिक डिज़ाइन, जो भी मैं ग्राफिक डिज़ाइंस वगैरह बनाऊंगा इसके बाद में, उसके ऊपर मैं इजीली फिट कर सकता हूँ। इवन जो ये लोगो है वो मैं अपने यूट्यूब के लिए, यूट्यूब का जो इंट्रो होता है उसके लिए एक मोशन ग्राफिक क्रिएट करने वाला हूँ आगे जाके, और वो मैं यूट्यूब के लिए यूज़ करने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है कैसा डिज़ाइन होगा, क्या होगा। तो चलिए अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप जो बहुत ही क्रिटिकल है और एक्चुअल में डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सो गाइज, जो हमारी फोर्थ स्टेप है वो है डिज़ाइनिंग ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर, या फिर आपके पास स्केचबुक होगा तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस स्टेप में हम एक्चुअल में ड्रॉ करेंगे। अभी बहुत जन मुझे कमेंट करेंगे कि मैं ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं हूँ। इवन मैं भी अच्छा नहीं हूँ ड्राइंग में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे केस में मैंने जस्ट ये दो डिज़ाइंस ओम की जो है, दो डिज़ाइंस मैंने जस्ट ड्रॉ करके रखी है और मुझे जो राइट साइड वाला है वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। गाइज, ये जो ओम का जो डिज़ाइन है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ मेरे लोगों के लिए। अभी ये बहुत ऐसे रफली मैंने ड्रॉ कर लिया है, लेकिन एक बार हम इलस्ट्रेटर में लेके जाएंगे ना इसे, तो बहुत ये फाइन एडजस्टमेंट हो जाएगा। जो भी ये रफ वर्क दिख रहा है ना, वो बहुत ही अट्रैक्टिव दिखने वाला है। चलिए तो हम बढ़ते हैं हमारे स्टेप 5 पे, और वो है ड्रॉइंग द डिज़ाइन इन इलस्ट्रेटर। तो फिर इस स्टेप में और कुछ नहीं होगा, बस हम जो भी अपना डिज़ाइन जो है वो पूरा का पूरा हम इलस्ट्रेटर पे ड्रॉ करने वाले यूजिंग अ पेन टूल, राइट। वो सबसे बेस्ट टूल है, हर टाइम मैं पेन टूल ही यूज़ करता हूँ, या तो पेन टूल या फिर कर्व पेन टूल। जैसा मैंने एक्चुअली कहा था आपको कि मैं खाली ओम डिज़ाइन करने वाला हूँ और बाकी का जो लेटर्स है वो तो मैं एक फॉन्ट ही यूज़ करने वाला हूँ, राइट। तो फिर अब देखिए कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है लोगो। गाइज, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट्स हर वीक लाता रहता हूँ। आई बिलीव इन लर्निंग एंड शेयरिंग नॉलेज। गाइज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर।